हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के विस्की वेंसडे के वीडियो के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आज हम रिव्यू कर रहे हैं ओक स्मिथ इंटरनेशनल ब्लेंडेड विस्की का। और एक्साइटेड होने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि दिस इज़ ट्रूली अ यूनिक विस्की जिसे बनाया गया है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। इस विस्की को लॉन्च हुए अभी कुछ महीने हुए हैं, बट देर इज़ सो मच ऑफ हाइप अराउंड दिस विस्की, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर इस चैनल का कमेंट सेक्शन, देर इज़ अ लॉट ऑफ बज अराउंड दिस विस्की। और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग दिस आउट, बट कहीं मिल ही नहीं रही थी मुझे ये। बट फाइनली थैंक्स टू वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स, इसकी बॉटल मुझे फाइनली मिल गई है। नाउ वी आर गोइंग टू गिव इट अ ट्राई। सो वॉट मेक्स दिस विस्की सो स्पेशल? Well, it is an international whiskey. Yes, not a scotch, not a bourbon, but an international whiskey. Because ye whiskey jo hai, ye ek blend hai scotch and bourbon whiskey ka, and it is coming from the makers of Yamazaki and Hibiki. एक यूनिक एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी गई है यहाँ पर। जहाँ स्कॉच विस्कीज आपको बोल्ड एंड रिच नोट्स प्रोवाइड करती है, वहीं बर्बन विस्कीज आपको स्वीट, क्रीमी एंड स्मूथ टेस्ट देती है। और इन दोनों को ब्लेंड करा गया है यहाँ पे ताकि एक होलसम टेस्ट मिल सके। नाउ आई एम नॉट श्योर कि ये आइडिया पहले किसी के पास क्यों नहीं आया। प्रॉबेबली बिकॉज देर इज नो अदर कंपनी लाइक बीम सेंटोरी जिनके पास वर्ल्ड की बेस्ट बर्बन विस्कीज, जापनीज एज वेल एज स्कॉच विस्की ब्रांड्स का एक्सेस हो। एंड बाय कंबाइनिंग देयर बेस्ट बर्बन, स्कॉच एंड ग्रेन विस्कीज, इस ब्लेंड को बनाया गया है स्पेशली इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। और इसे बनाने के पीछे हाथ है मिस्टर शिंजी फुकोयो का, जो कि मास्टर ब्लेंडर हैं एट सेंटोरी, जहाँ से आती है कुछ बेहतरीन विस्कीज जिनका नाम आपने शायद सुना होगा, यामाज़ाकी एंड हिबिकी। These are not just whiskey names. सिर्फ एक कोई whiskies नहीं है ये। ये whiskies अपने आप में एक art है जिसे आप हर घूट के साथ ज़्यादा enjoy करेंगे। Japanese craftsmanship को बयां करती हैं ये whiskies. And जब Mr. शिंजी फुकोयो India आए तो उन्होंने Indian palate को समझते हुए दो blends तैयार करे, Oak Smith Gold and Oak Smith Silver. और इन दोनों blends में उस सेम जापनीज क्राफ्ट्समैनशिप को यूज करा गया है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस विस्की सो स्पेशल। बट दैट्स ऑल ऑन पेपर, वी हैव टू गिव इट अ ट्राई एंड सी कि क्या इसका टेस्ट भी उतना ही यूनिक है जितनी इसकी बैक स्टोरी। और अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो इसका प्राइस है ₹840 इन महाराष्ट्र। ये बॉटल मेरे पास मुंबई से आई है, बिकॉज दिल्ली में अभी तक अवेलेबल नहीं है विस्की। आई होप जल्दी हो जाएगी। और इसका प्राइस समवट क्लोज होगा, आई एम श्योर थोड़ा सा कम होगा महाराष्ट्र से। सो लेट्स गेट टू द टेस्टिंग नाउ, लेट्स अनबॉक्स द विस्की एंड गिव इट अ टेस्ट। Alright, let's pour a small one in the glass. काफी strong sweetness है उसकी में, at least on the nose. Maple syrup के notes मुझे आ रहे हैं, almost like जैसे आप पैनकेक में मेपल सिरप डाल के उसे खा रहे हो। आई कैन ऑल्सो फील सम वनीला, जो कि नॉर्मली आपको बर्बन विस्की से आता है। देर इज सम गुड अमाउंट ऑफ ओकीनेस। ओवरऑल काफी प्लेजेंट है नोज पर। लेट्स गेट टू द टेस्टिंग नाउ एंड लेट्स सी कि टेस्ट में क्या नोट्स आ रहे हैं। A lot of sweetness, almost like marmalade, a hint of apple, there is a hint of mint as well, mint ka acha flavor aa raha hai mouth,
is feeling quite cold. I'm also getting some marshmallows. Hint of smoke है, जो कि आप back end पे feel करते हैं. Some mint and smoke, which gives you a good aftertaste. Ready करता है आपको next explosion of sweetness के लिए. With a nice layer of smoke, I do think that this whiskey does provide something unique. Although एक sweet heavy whiskey है, but the sweetness has different layers. There is syrupy sweetness, there is also fruity sweetness. उसके अलावा spices भी हैं हल्के हल्के, and there is also hint of smoke. तो चाहे आपका taste palette जैसा भी हो, you will find something in this whiskey. अगर मैं बात करूँ scoring की, I definitely did like this whiskey. I think एक ऐसी whiskey है जिसे आप easily neat enjoy कर सकते हैं, and that is my biggest benchmark for a whiskey, चाहे उसका जितना भी price हो. अगर आप किसी whiskey को neat enjoy कर सकते हैं, तो चाहे आप उसे पानी के साथ पिए, soda के साथ, on the rocks, या फिर cold drink के साथ, you will still enjoy the taste. And I will give this whiskey 8 out of 10 as far as taste score is concerned. And अगर मैं बात करूँ value for money की, तो for the same reasons, I will give this whiskey 10 out of 10 for value for money, because 840 रुपीस की जो प्राइस रेंज है, इसमें आपको यूजली ऐसी विस्कीज नहीं मिलती है जिससे आप इजीली नीट एंजॉय कर सके. प्लस इट इज़ ऑफरिंग यू समथिंग यूनिक जो आपको और किसी विस्की में नहीं मिलेगा. तो इसका MB's मैन केव स्कोर होता है 9 out of 10. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ओकस्मिथ सिल्वर विस्की के ऊपर. कैसा लगा है आप लोगों को बताइए कमेंट्स पर. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.